हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल अनलाइटन अकेडमी पे नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रिक मेथड के थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं नॉर्मली इस मेथड को 23-12 मेथड कहता हूं। सो इस मेथड को हम डायरेक्टली एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। सो हमारे पास एग्जांपल है, दो इक्वेशंस हमें गिवन है, 3x-5y=20, 7x+2y=17। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है इसमें कि आपका जो है वो राइट हैंड साइड पे जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला जो 20 है राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का 20 बन जाएगा, 17 राइट हैंड साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का 17 बन जाएगा। तो आप देखो कि दोनों क्वेश्चन में अब इक्वल टू क्या बन गई है, जीरो। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या करूंगा, यूज करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ब्रैकेट में मैंने डाला हुआ है 23-12 मेथड। ये 23-12 में याद करने में इजी रहेगा। सो मैंने पहले क्या लिख दिया, 2312। इसका मतलब क्या है, इसको यूज कैसे करना है, इस मेथड को कैसे यूज करना है, ध्यान से देखना है। 2 का मतलब हमने सेकेंड टर्म के कोफिशियंट लेने हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, -5 एंड 2 कोफिशियंट ले लिए। 3 का मतलब थर्ड टर्म के हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज लेनी है। थर्ड टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है हमारे पास, -20 एंड -17। फर्स्ट की हमारे पास क्या है, 3 एंड 7। सेकेंड अगेन हमारे पास क्या आएगा, -5 एंड 2। सो आई होप आपको 23-12 मेथड में पता चल गया होगा कि कैसे हमने इसको यूज करना है। अब हमने क्या करना है, 2 एंड 3 के जो टर्म्स आई है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 और 1 की जो टर्म आई उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एंड सेकंड की जो टर्म आई उसको हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई है उसको एक्स अपॉन लिखना है, जो सेकंड है उसको वाई अपॉन लिखना है, जो थर्ड है उसको 1 अपॉन लिखना है। सो एक बार फिर, जो सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करने के बाद आएगी हमारे पास टर्म उसको एक्स अपॉन लिखना है, जो 3 एंड 1 को सॉल्व करने के बाद आएगी उसको वाई अपॉन लिखना है, जो फर्स्ट एंड सेकंड के बाद आएगी उसको हमने 1 अपॉन लिखना है। सो लिखना कैसे है आपने ध्यान से देखना है, -5 मल्टीप्लाई -17, 2 मल्टीप्लाई -20, और इन दोनों के बीच में साइन क्या कौन सा रखना हमने, माइनस का। सो एज इट इज लिख देना, -5 -17 -2 -20। सेम प्रोसेस हमने यहां पर लगाना है, -27 -17 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई -2 -7 -5। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, x/85 आ जाएगा और यहां पर माइनस माइनस प्लस होके 40 आ जाएगा। सेम प्रोसेस हमने y/-140 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 51 आ जाएगा, 17 3 51 इक्वल टू 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई टू 6 --+7 मल्टीप्लाई 5 35 आ जाएगा। सो क्या आएगा सॉल्व करके, x/125 y/-89 1/41। अब हमने x एंड y की वैल्यू निकालनी, तो आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को आपने लेना है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को इन दोनों को इक्वल रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 125 दूसरी साइड चला जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 125/41। अब हमने क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म को लेना है। सेकेंड एंड थर्ड टर्म को लेंगे तो हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, x एंड y की वैल्यू आ जाएगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और 23/12 मेथड। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट में जरूर लिखना है, और जो इसकी असाइनमेंट करनी है, इस मेथड की जो असाइनमेंट करनी है वो सेम ही है जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड मेथड के लिए की थी, वो एक बार नोट कर लो फिर आप, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपने 23/12 मेथड से भी करनी है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आपने करनी है। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।